हेलो दोस्तों, एक बम्पर न्यूज़ आई है यस बैंक के ऊपर। यस दोस्तों, यस बैंक के ऊपर जैसे खबरों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है, एक के बाद एक लगातार एक से बढ़कर एक खबर आती ही जा रही है। और मेरे ख्याल से ये सिलसिला जो है वो 10 सितंबर तक जो है वो चलने वाला है, और इसके एजीएम मीटिंग होने के बाद में ये शेयर अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि क्या लेटेस्ट और बम्पर वो न्यूज है, साथ ही में ये स्टॉक 30 के प्राइस को कभी टच करेगा, कब तक टच कर सकता है, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द फेवरेट स्टॉक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार खबर क्या है। दोस्तों, मैं जो आपको खबर बताने वाला हूं उससे ही रिलेटेड है आज का प्राइस एक्शन भी, तो उसको भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम खबर की ओर चलते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आज जो है ये स्टॉक ओपन हुआ था 15 रुपए 10 पैसे में, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद इसने हाई बनाया 15 रुपए 40 पैसे का, और 14 रुपए 90 पैसे का लो बनाने के बाद में इसने क्लोजिंग वहीं पर दी जहां पर ये ओपन हुआ था, मतलब 15 रुपए 10 पैसे में। दोस्तों, लास्ट क्लोजिंग से ये 40 पैसे ऊपर क्लोज हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट क्लोजिंग इसने 14 रुपए 70 पैसे में दी थी, तकरीबन 3% की इसने आज हमको बढ़ोतरी दिखाई। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर आप नीचे देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन यहां पर 27 करोड़ शेयर में आज ट्रेडिंग हुई है, आप यहां पर देख सकते हैं। और उसमें से 37% शेयर जो है वो डिलीवरी में उठाए गए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, राइट, यहां पर आपने देख लिया। चलिए अब चलते हैं उस न्यूज की तरफ, आखिरकार वो न्यूज है क्या। दोस्तों, यस बैंक ने एनएससी को और बीएससी को जो है एक कम्युनिकेशन पास आउट किया हुआ है। किस बारे में कम्युनिकेशन है हम जस्ट अभी देखेंगे। देर रात को 27 तारीख को ये उन्होंने कम्युनिकेशन पास किया हुआ था, और आज मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, न्यूज क्या है? दोस्तों, न्यूज जो है वो इंडिया की जो टॉप मोस्ट सबसे बड़ी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने येस बैंक का जो रेटिंग्स है उनको इंक्रीज किया है, उनको बढ़ाया है। आप देख सकते हैं, आप सभी जानते होंगे क्रिसिल को भी, आप सभी जानते होंगे इंडिया रेटिंग्स को भी, ये दोनों बड़े ही दिग्गज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, और इन दोनों ने ही यस बैंक की जो रेटिंग है उनको इंक्रीज किया है। डिटेल में क्या है चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम क्रिसिल की, क्या लिखा हुआ है यहां पर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, उसमें पहले जो है A2 की रेटिंग थी, आप यहां पर देखिए, लेकिन उसे बढ़ाकर A2+ कर दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। यह है करंट रेटिंग, और ये रिवाइज्ड रेटिंग जो कि अब हो चुकी है। उसके नीचे आइए, नीचे क्या लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो है आप यहां पर देखिए, इसमें पहले BBB स्टेबल था, ओके, आप यहां पर देखिए, उसे अभी जो है BBB स्टेबल रिफॉर्म्ड कर दिया है, एक स्टेप आगे फर्दर लेके गए हैं, इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं। Tier 2 बॉन्ड्स जो है अंडर Basel III, आप यहां पर देख सकते हैं, इसे भी इन्होंने BBB स्टेबल से BBB स्टेबल रिफॉर्म्ड कर दिया है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा क्रिसिल ने किस तरीके से यस बैंक की रेटिंग को इंक्रीज किया हुआ है। अगर साथ ही में आप नीचे देखें इंडिया रेटिंग्स को, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जो हैं उन्होंने उस पर पहले जो रेटिंग दी हुई थी वो दी हुई थी BB-, और उसे उन्होंने इंक्रीज करके BBB स्टेबल कर दिया है, आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं। साथ ही में बात करें अगर Basel III Tier 2 बॉन्ड्स की, आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है वहां पर उनकी जो करेंट रेटिंग थी वो थी B+, देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है, उसे उन्होंने BBB- कर दिया है, ओके, तो पहले B+ था, सिंगल B था, अभी उसे BBB कर दिया है, तो इसे काफी अच्छी तरीके से आप बोल सकते हो कि इंक्रीज किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल भी है,
और यहाँ पर अभी 3 भी आ चुके हैं दोस्तों, तो ये काफी अच्छी एक बढ़ोतरी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो है यस बैंक इतने कम समय के अंदर कितनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, राइट। हर चीजों में जो है प्रशांत कुमार जी की मेहनत डेडिकेशन दिख रहा है और हर तीसरे दिन इसमें पॉजिटिव न्यूज आपको सुनने को मिल रही है। वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब ये अपने पुराने प्राइस में दोस्तों चला जाएगा। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कब 30 के रेट को टच कर सकता है। बने रहिए मेरे साथ, हम आगे चलते हैं और समझ लेते हैं कब तक ये चीजें हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूं जियोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर और मैंने ओपन कर लिया है यहां पर यस बैंक का चार्ट, आप यहां पर ऊपर देख सकते हैं, राइट। 30 का लेवल कब टच करेगा, उससे पहले हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इसको कि आखिरकार इसमें क्या घटनाक्रम हुआ था, राइट। आप सभी जानते हैं दोस्तों ये जो फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे क्या रीजन क्या है दोस्तों, 9 तारीख को जो है 9 जुलाई को इसमें FPO की न्यूज आई थी कि भैया FPO आने वाला है और 10 तारीख को ये डिसाइड हुआ कि ये FPO जो है वो 12 से 13 रुपए के बीच में आएगा। और इसी न्यूज के कारण ये जो 12 रुपए से 13 रुपए की रेंज दी गई इसके कारण ही ये शार्प फॉल जो आपको दिख रहा है ना ये देखने को हमको मिला था। और कुछ दिनों के अंदर ही ये स्टॉक अपने निचले स्तर में आ चुका था। इवन FPO के आने के बाद भी 27 जुलाई को इसका FPO लॉन्च हुआ और 28 तारीख को इसने उसका भी लो बनाया, मतलब 12 रुपए में ये FPO लॉन्च हुआ 12 रुपए में और 28 तारीख को इसने जो लो बनाया वो दोस्तों बनाया था 11 रुपए 10 पैसे का। उसके बाद घटनाक्रम सभी जानते हैं, लगातार इसने कुछ दिनों तक इसने अपर सर्किट बनाया फिर लोअर सर्किट बनाया और अभी जो है हमारे पास 3-4 अनाउंसमेंट आ चुकी है। आप सभी जानते हैं 10 तारीख को इसका AGM है, SBI के इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए चुका दिए हैं, कई दिग्गज फाइनेंशियल फर्म ने इनकी रेटिंग को इंक्रीज किया है और अभी की ताजा खबर यह है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी इनकी रेटिंग को इंक्रीज किया है। तो इन सभी घटनाक्रम से ये दोस्तों क्या बात निकल कर आती है कि देखिए अगर हम यस बैंक के पड़ाव की बात करें कि कौन कौन से पड़ाव इसको पार करने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर अभी जो है ना ये 30 का मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। पहला जो उसका पड़ाव है वो है 50 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये बनते होने जा रहा है 18.75 रुपए में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला पड़ाव जो है उसको ये वाला पार करना है और आई एम श्योर जैसी पॉजिटिव न्यूज इसमें आ रही है 10 सितंबर से पहले ये अपने सारे पड़ावों को पार कर लेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि 23.15 रुपए के आसपास बनते होने आ रहा है वो उसको भी क्रॉस कर देगा और तकरीबन अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये 30 के प्राइस को दोस्तों टच कर देगा। जरूरत सिर्फ ये है कि जो 10 सितंबर को इसका AGM होने वाला है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होने वाली है वहां पर जो है कुछ अच्छे अनाउंसमेंट की जरूरत है। हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन हमको पॉजिटिव न्यूज तो मिल ही रही है लेकिन वहां पर हमें कुछ अच्छी अनाउंसमेंट सुनने को अगर मिल जाती है तो दोस्तों ये होता है ना कि आग में घी का काम, तो वैसा कुछ हो जाएगा और इस प्राइस को वो डेफिनेटली टच कर देगा अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर। दोस्तों आपका क्या कहना है इस स्टॉक के ऊपर, आपके क्या कमेंट्स हैं मुझे जरूर बताइए। आपके एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक कब 30 को टच करेगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही में इस वीडियो को अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए। और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। डेली जब भी मार्केट डेज होते हैं मैं उस दिन स्मॉल मार्केट शॉर्ट को रिलीज करता हूँ सुबह सुबह 7 बजे के अराउंड में, वहां पर दिन भर में जो उथल पुथल होने वाली है मार्केट में मैं सारा समराइज कर देता हूँ, वहां पर आपको एक आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या क्या होने वाला है, तो इसका फायदा जरूर उठाइए दोस्तों। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर मैं डेली जितने भी मार्केट डेज होते हैं उन दिनों में सुबह 8 से 9 के बीच में एक स्टॉक को जरूर बताता हूँ विथ टारगेट विथ स्टॉप लॉस जो कि आपकी काफी मदद कर सकता है। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो में,
बहुत बहुत धन्यवाद।